है गाइस, आई होप यू आर ऑल फाइन ड्यूरिंग दिस क्रेजी टाइम्स आजकल पेंडेमिक चल रहा है तो आई होप योर फैमिली सेफ़ एवरीवन इज़ सेफ तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर दिस वीडियो इज़ अबाउट अंडरटेकर आते हैं मेन टॉपिक की तरफ तो आज का मेन टॉपिक है अंडरटेकर um, अगर किसी ने भी बाय एनी चांस आपने कभी भी रेसलिंग देखी होगी डब्ल्यू के नाम से जो जानी जाती है तो अंडरटेकर का आपको तो पता ही होगा इस रियल नेम इज़ मार्क विलियम कावे और वो पिन इन टू दैट बिजनेस फ्राम मोर देन थर्टी ईयर्स नाउ तो Uh, lately I knew I heard about that, that he, he just quit uh, wrestling or he no longer wanna work with the, uh, the wrestling stuff anymore. Uh, so I just wanted to talk about that and give him a small uh, tribute in my capacity. Undertaker talk about ग्लोबल स्टार है आई गेस और आई डोंट थिंक सो के एनी बडी वै एवर सीन डब्ल्यू डब्ल्यू ई और उसको अंडरटेकर का पता ना हो मुझे आज भी याद है कि बचपन में हम जब ब्रेस्टिंग देखते थे तो अंडरटेकर एक जो है बहुत ही खौफनाक किस्म का करैक्टर था और फ़नी स्टोरी बताता हूँ कि वॉशरूम जाते हुए भी मैं डरता था तो इट्स इट्स द टाइम्स ऑफ लेट 90s, आई guess, वेयर मैं जब की बात कर रहा हूँ तो Undertaker, इज काइंड ऑफ बिग स्टार अब जब उसकी बात करते हैं तो हेलिन सेल के matches और मिक फॉली के साथ और फिर उसके बाद काफ़ी सारे मेमोरेबल matches हैं फिर उसकी एक स्ट्रीक uh, थी वो जो काफ़ी साल तक मोर than ट्वेंटी ईयर्स चली है तो काइंड ऑफ लाइक ही इज़ अ वेरी वेरी बिग स्टार और इस तरह से अगर वो छोड़ के जा रहा है रिटायर हो रहा है तो इट्स काइंड ऑफ वेरी बिग न्यूज़ फॉर एवरी वन आउटेयर जिसने भी कभी रेसलिंग देखी है या कब किसी भी तरीके से डब्ल्यू डब्ल्यू ई का फैन रहा है तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी तो आई विश के फ्यूचर में जो भी वो काम करें वो उसमें इसी तरह सक्सेसफुल रहें बिकॉज ही वॉज़ द मेन रीज़न माई चाइल्डहुड वॉज वर्ली रेली मेमोरेबल उसके काफ़ी सारी मेमोरीज हैं मेरी क्योंकि मुझे याद है कि हम जब मैं जब देखता होता था मैच डब्ल्यू डब्ल्यू ई के तो मैं हमारे घर पर टी वी वगैरह नहीं था तो मैं अपने पप्पो के घर पर जाके टी वी देखता था तो इट्स इट्स वर्ली वर्ली इट वॉज अ वेली गुड फीलिंग और उसको इस तरह छोड़ के अगर वो जा रहा है तो इस क्या कर सकते हैं बिकॉज एवरी थिंग नीड्स टू एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो आई होप के दिस इज द टाइम फॉर हिम टू गो और वी शुड रिस्पेक्ट हिज डिसीजन वर एवर ही इज़ टेकिंग और हमें सपोर्ट करना चाहिए एंड दैट वॉज इट गाइस फॉर टू डे एंड This is what I just wanted to talk about. And Rahasawal uh, video, I know it's not good, but I still want to give it a try. and it's It's just my very first video after so much time, and I will promise to improve myself. Please be supportive. Thank you. Bye.